आपको दिख रहा है मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, सो मैं आज रिव्यू करूँगी, रिव्यू नहीं फर्स्ट इम्प्रेशन, ये स्पिंस का सन टैन रिमूवर, इंस्टेंट डी टैन क्रीम, रेडियंट स्किन, नो ब्लीच, फेस ऑफ वॉश ऑफ क्रीम सॉरी, ये है फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। इसका प्राइस 49 रुपीस की है और इसका नेट वेट है 25 ग्राम्स। मैं आपको इसके स्टेप्स बताती हूँ जो इसके बैक पे लिखे हैं क्या क्या है। स्टेप वन है वेयर द स्किन वेयर द प्रोडक्ट नीड्स टू बी अप्लाइड। स्टेप टू मसाज जेंटली इनटू द स्किन यूजिंग योर फिंगर टिप्स, अवॉइड सेंसिटिव एरियाज लाइक आई कॉन्टोर इन अ स्मूथ रोटेटिंग मोशन। स्टेप थ्री अप्लाई थिक लेयर ऑफ स्पिंस सन टैन रिमूवर क्रीम ऑन टैन स्किन एंड लीव इट फॉर 5 to 10 minutes एंड स्टेप फोर रिंस थॉरली विद बटर एंड पैट ड्राई। बस इसमें और कुछ नहीं है एंड इसमें साइड में इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं जो जो इसके अंदर है। सो अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ, सो मैं अपना फेस वेट करके आती हूँ। सो मैंने अपना फेस वेट कर लिया है एंड अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। सो इसके अंदर एक ये ऐसी ट्यूब है, बिल्कुल अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। सिर्फ फेस को हल्का सा वेट किया तो उससे अच्छा है। टिंगलिंग सेंसेशन मुझे अभी अब लग रही थोड़ी सी अंडर आईज के यहाँ पे थोड़ी सी, उसके अलावा तो नहीं हो रही। खत्म, थोड़ा सा और लेके मैं नेक पे लगाऊंगी बिकॉज आप जो भी चीज़ अपने फेस पे लगा दो अपने नेक पे भी लगाया करो उसको, मम्मी बोलती है ऐसे। सो अभी मैं इसको 10 मिनट्स रखूंगी अपने फेस पे एंड फिर मैं इसको वॉश ऑफ करूँगी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो अभी 10 to 15 मिनट्स हो गए, मैंने थोड़ा ज़्यादा रख दिया इसको। सो अभी ये फेस पैक जैसे बहुत ज़्यादा टाइट टाइट तो नहीं लग रहा, क्रीम जैसे में ये अभी भी अनियन सा ड्राई हो गया है। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। सो मैं अपना फेस वाटर से, सिर्फ वाटर से मैंने उसको क्लीन किया और मैं इसको पैट ड्राई करती हूँ। कुछ फर्क लग रहा है, थोड़ा क्लीन क्लीन लग रहा है। हाँ चिंकी बता रही है कुछ फर्क लग रहा है मेरे फेस पे या नहीं, बता। मे बी ऑयल उठ गया ऐसे थोड़ा क्लीन क्लीन लग रहा है। ऐसे तो टैन रिमूव का कुछ लग रहा है? टैन कहाँ थी तेरे? हो रही थी टैन, मुझे नहीं पता तुझे टैन हो रही थी। मैं मतलब जो तेरा ये वाला एरिया है ना, हाँ ये वाला, ये और ये तो हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अभी थोड़ा अलग सा फील आ रहा है मेरे को फेस पर, जैसे कुछ लगा हुआ है। सो अभी नेक्स्ट फीलिंग्स ही लग रही है मुझे इसकी, समझ नहीं आ रहा कैसा है। अगर आपको लग रहा है मेरे फेस पे कुछ थोड़ा टैन रिमूव हुआ नहीं हुआ फेस जरूर बताना, बिकॉज हमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि किसने हमारा टैन रिमूव किया या नहीं किया। सो अगर आपको डिफरेंस पता चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, हमें हम दोनों को नहीं पता चल रहा। एंड सिंगी मेरे साथ ही बैठी है तो इसलिए मैं इससे पूछ रही थी। तो अभी मैं अपने फेस पे
पतंजलि का ये लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल लास्ट का बचा है, एंड हम उसके बैकअप भी ला चुके हैं। सो लास्ट का ख़त्म कर रही हूँ, कितना है? सो अभी मैंने इतना सा लिया है, इसको अपने फेस और नेक पे दोनों को लगाऊंगी। अब बताना हमें इसका, अगर आपको मेरे फेस पे कोई डिफरेंस लगा हो, बिकॉज हम दोनों को तो ऐसा कोई डिफरेंस लगा नहीं, ना मुझे देखने में लगा ना सोनाक्षी को लगा। सो पता नहीं कैसा प्रोडक्ट है, या वेस्ट ऑफ मनी 50 रुपीज़, 49 रुपीज़, क्या पता किसी के लिए वर्क भी किया हो, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। वैसे इस पर लिखा है कि ये इंस्टेंट डीटान क्रीम है, बट फर्स्ट सिर्फ एक एप्लीकेशन में इतना ऐसा जिसमें कोई फर्क नहीं लगा मुझे। क्या पता लाइक मैं 2-3 बार इसको यूज़ करूँ तो थोड़े डिफरेंस पता चले, उससे टैन रिमूव होए, सो उसके बारे में तो मैं इसको और ट्राई करूँ तो पता चलेगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल, and don't forget to subscribe to our channel, hit the like button, share the video with your friends, and don't forget to follow me and Sonakshi on our Twitter, Instagram and Snapchat account, or we'll see you next time. Okay then, bye.